रासा व पूर्व फौजियों का किसानों को समर्थन। पूर्व फौजियों और प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन रासा ने किसान संघर्ष कमेटी को समर्थन देते हुए केंद्र सरकार के 3 कृषि बिलों पर निंदा की और इन बिलों को वापस लेने की बात कही। पूर्व फौजियों की ओर से निर्मल सिंह बेदी, रासा की ओर से हरपाल सिंह यूके और गुरमुख सिंह ने कहा कि किसी समय जय जवान जय किसान का नारा आया था, जिसमें देश की रक्षा के लिए जवान और देश की जनता को अन्न देने के लिए बात कही जाती थी। लेकिन आज केंद्र की सरकार उसी किसान को मारने में तुली है। 50 लाख पूर्व फौजी किसानों के साथ हैं, वहीं रासा भी किसानों के साथ खड़ी है और अपने स्कूल बंद कर किसानों का साथ दे रही है। असीं अज पंजाब रासा यूके वालों पंजाब के जिन्हें भी साढ़े रासा पंजाब बोर्ड ना संबंधित स्कूल आ उन्होंने किसानों को कल हमायत दी ही। कल अभी मीटिंग की सी अखबारों या टीवी मीडिया आया थे। असी जिन्ना चिर किसानों का मसला हल नहीं हुंदा असी किसानों नाल खड़े हाँ, क्योंकि किसान इन्नी हड मेहनत करके अपने बच्चों समेत रात दिन सप्प सपोलियां का मूँह बिध के भी झोनिया के दौरान बेचारे किदा मेहनत करके कणक झोना पालदे आ, ते अज मोदी साहब ने इन्हों सड़कों से रोल के रखता। जदों वोटां पैंदियां किसानों ने सब तो वध चढ़ के योगदान पाया, ते अज जिमीदार रोल के रखता। वो चाहता भी इस जमीन का हुण वेखो जमीन का मुल भी 30 लाख का जिहदा मुल ही उहदा 20 रह गया, 20 का 15 रह गया। हुण अज मक्की का भाव जिहड़ा 1800 इहना MSP की आ वो 1100 नूं 1000 नूं 800 नूं विकण रही आ, जिहड़ी 600 नूं भी विकदी आ। हुण जिहड़ी कणक वाह जां चौल वाह जां इह हर चीज़ जिहड़ी आ वो इन्हें अपनी मर्जी ना खरीदनी आ। ये डाने बानी का राज पैदा करना चाहता, ये सरमाएदारा बढ़ावा देना चाहता, तो जिमीदारा खाना चाहता। असल में जो अंदरला एजेंडा इन्हों का, असी सारे स्कूलों वाले सारे दुकानदार जिन्हें भी शहर के साढ़े शहरी तबका असी पिंड रहने वाले हाँ, अभी भी किसान हाँ पर अं शहर आए हैं, पर असी इन्हों का डट के मुकाबला करा सरकार का और किसानों का मोढ़े ना मोढ़ा देवे। असी किसानों ने असं मोढ़े मोढ़ा देवे जो साढ़े को सकया वो तो वह मदद करा। अच्छ काले झंडे ला के स्कूलों स्कूल बंद किए, कल भी बंद करा, परसों भी अगर सानू किसान यूनियन जथेबंदी कहेगी जिन्ने चिर सानू कहें उन्ने चिर स्कूल बंद रखा गया। मेरा नाम गुरमुख सिंह आ, जनरल सकत्तर हाँ, मैं पंजाब एसोसीएशन रासा प्राइवेट एसोसीएशन आ साड़ी, और असी भावें कि अं प्राइवेट स्कूल एसोसीएशन के वलों हाँ पर अं उहदे नाल किसान भी हाँ। और ये जड़ा बिल पास होया ये काला कानून जड़ा वा वो किसानों नू लै डुबेगा, और जे किसान जड़ा वा उहदा नुकसान होएगा तो उहदे नाल ये जड़ा साडा खेता वा ये भी सारा जड़ा आर्थिक मंदी का शिकार हो जाएगा। मैं तो यह कहना चाहवागा कि जिहड़ी साडियां केंद्र दियां सरकारां वा उन्हां दी बड़ी दोगली नीति रही है, क्योंकि जदों उन्हां नू पूरे हिंदुस्तान दे विच अन्न दी जरूरत सी उदों उन्हां ने साढ़े पंजाब हरियाणा जिहड़ा साडा एरिया भावें राजस्थान ते यूपी दे कुछ जिले ने इहदे विच MSP भी लागू कीती, और उहदे नाल हरी क्रांति दा इहो जिहा नारा मारिया कि उस हरी क्रांति दे नाल एक ते साडियां जमीनां दे थल्लों पाणी खत्म हो गया, पाणी साडा लुटिया गया, साडियां जिहड़ियां जमीनां वा उह कीटनाशक दवाइयां दे नाल उह जहरीलियां हो गईआं। ते अज जदों हिंदुस्तान नूं अन्न दी जरूरत नहीं आ ते उन्हां ने साडी जिहड़ी आ बांह उह फड़नी बंद कर दित्ती, बांह छड़ती, अज उह सानूं मारू नीतियां ते आ गए आ। इन्हां नूं उदण MSP दा चेता है जिदण उन्हां नूं अन्न भंडार की लोड़ है, ते जे अज उन्हां नूं अन्न भंडार की जरूरत नहीं आ भावें कि केरला कर्नाटका तमिलनाडु दे विच चलो वधिया वा कि उधर भी चौल वगैरह जिहड़े आ कणक पैदा होण डई आ, ते जे उधर पैदा होण डई आ ते साढ़े अज ये अन्न भंडार जिहड़े आ साडी किसानी नूं क्यों खत्म किया जा रहा। किन्ने दिन तुसीं इत्थे नाल किसानां दे नाल बैठो? असीं सर उन्ना चिर किसानां दे नाल आ जिन्ना चिर ये काले कानून वापस नहीं लैंदी मोदी सरकार। निर्मल सिंह बेदी, प्रेजिडेंट वैटरनल वेलफेयर सोसाइटी, साबका फौजी पंजाब। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ओ इन्हां दिल्ली वालियां नूं पता ही नहीं है कि 1965 दे विच लाल बहादुर शास्त्री जो खुद किसान सी उहने जवानां नूं वेखदे किसानां दा नाल नारा दित्ता कि जय जवान जय किसान, कि देश दी राखी वास्ते मेरे वर्गे जवान खड़े हन ते देश नूं अन्न देण वास्ते अस किसान खड़े हन। अज किसानां दे नाल ओह धोखा हो रहा है
ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 70% ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭੁੱਖਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨਾਲ ਖੜੀ ਜੇ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਫੌਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਪੁਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੈਠੋਗੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਲੇ ਵਾਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਬੱਡੀਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਲਾ ਭੱਜ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਣ ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।